रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में जगह बना ली है। कल खेले गए एक बेहद रोमांचक मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हरा दिया और प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आरसीबी को चेन्नई को कम से कम 18 रन से हराना था, वहीं चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 200 रन बनाने थे। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी और इस तरह आरसीबी ने लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए ये मैच 27 रन से अपने नाम किया। आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में 9वीं बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। बात आज होने वाले मुकाबलों की। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने है। पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैदराबाद की टीम 13 मैच में 15 अंक के साथ तालिका में तीसरे पायदान पर है। टीम की कोशिश पंजाब किंग्स को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की होगी। वहीं अंतिम 4 में जगह बनाने में असफल रही पंजाब किंग्स के लिए इस मैच को जीतना सम्मान की लड़ाई है। मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक 18.1 ओवर में पंजाब ने 5 विकेट खोकर 187 रन बना लिए हैं। और आईपीएल में आज का दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हुए पहले ही प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान की कोशिश जीत के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से काबिज रहने की होगी। वहीं अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद कोलकाता के पास 19 अंक हैं। केकेआर का शीर्ष पर रहना तय हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने प्लेऑफ के चौथे और आखिरी स्थान पर कब्जा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी थी। आइए एक नज़र डालते हैं प्लेऑफ में जगह बनाने वाली इन 4 टीमों पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चेन्नई पर जीत के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों में कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शामिल हैं। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की है। इस टूर्नामेंट में कोलकाता का सफर शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए अपने 13 मैचों में से 9 में जीत हासिल की है। कोलकाता की टीम 19 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स आज लीग स्तर के आखिरी मैच में मैदान पर उतरेगी। ये टीम अगर अपने आखिरी मुकाबले में भी जीत हासिल करने में कामयाब रहती है तो ये 21 अंकों के साथ लीग चरण का समापन करेगी। वहीं अंक तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उसे 8 मुकाबलों में 16 अंक हासिल हुए हैं। इस टीम को अभी भी लीग स्तर का अपना आखिरी मैच खेलना बाकी है। आरआर की टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है तो वह 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए लीग चरण का समापन करेगी। वहीं अगर राजस्थान को हार मिलती है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने आखिरी मैच में जीत हासिल करती है तो वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में आरआर की टीम तीसरे स्थान पर आ जाएगी। आईपीएल के सीजन के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद है। आज लीग स्तर के आखिरी मैच में खेल रही सनराइजर्स हैदराबाद को अब तक खेले गए 13 मैचों में से 7 में जीत और 1 में ड्रॉ के साथ 15 अंक मिले हैं। वहीं आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मारी है। आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया है। बात अगर मौजूदा सीजन में इस टीम के प्रदर्शन की करें तो आरसीबी को 14 में से 7 मैचों में जीत और इतने ही मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है।
आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों के नाम तो फाइनल हो गए हैं, लेकिन किस टीम का सामना किसके साथ होगा ये आज होने वाले मुकाबले के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब एक नजर डाल लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका पर। तो आईपीएल की अंक तालिका में अभी तक हम देख सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स 19 अंक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 15 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स चारों के 14-14 अंक हैं। हालांकि आरसीबी सबसे बेहतरीन रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही और चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स 14 अंक होने के बावजूद प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। गुजरात टाइटंस 12 अंक, पंजाब किंग्स 10 अंक और मुंबई इंडियंस 8 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेला।